हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित सिंह। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विंडो के ऊपर। कि दोस्तों, मैं विंडो के ऊपर जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये बातें बताऊँगा आपको कि मान लीजिए कि साइट पर विंडो लग रही है और या मकान में विंडो लग रही है, आप एज आ कोई टेक्निकल पर्सन है या नॉन टेक्निकल पर्सन है, आप उस विंडो को कैसे चेक करें कि भाई विंडो जो हमारी लग रही है वो ठीक लग रही है नहीं लग रही है, मतलब कोई गलती तो नहीं है। अगर आप एज अ मकान मालिक हैं तो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, या आप कोई टेक्निकल पर्सन है चाहे सिविल इंजीनियर या सुपरवाइज़र, तो भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, टोटली मेरा साइट एक्सपीरियंस रहा है, और जो भी बात बताऊंगा आप उसको समझना, एक एक बात को समझने की कोशिश करना, और मैं अभी तक जितने भी विंडो को लेकर आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई मकान में विंडो लगा रहे हैं, अगर आपके पास उसकी ड्राइंग है मकान की, तो उसमें सारी चीज़ मेंशन होती है कि भाई हमारी जो विंडो है वो कहाँ दी जा रही है, कितना साइज है विंडो का, और हमारा जो सिल लेवल होता है, सिल लेवल दोस्तों वह लेवल होता है उसकी हाइट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग में मेंशन होती है, और दोस्तों जिनके पास ड्राइंग नहीं होती उनको भी मैं बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए सिल लेवल क्या होता है, पहले वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो विंडो का बॉटम होता है और जो हमारा कोई फ्लोर लेवल या डीपीसी लेवल के बीच में जो हमारा हाइट में ब्रिक वर्क किया जाता है, या उस हाइट को क्या कहते हैं, उस हाइट को कहते हैं सिल लेवल। और उस हाइट की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो हमारी होती है 3 फिट, यानी 900 mm। अगर आपके पास ड्राइंग है तो हो सकता है ड्राइंग में अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर के हिसाब से या आपके हिसाब से थोड़ा अप डाउन हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड हाइट जो होती है वो 3 फिट होती है, ठीक है। जिनके पास नहीं है ड्राइंग तो वो उसको समझ सकें, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है, किसी मकान में काफ़ी सारी विंडो लगती हैं, तो कहीं 3 बाई 4 की होती है, कहीं में 4 बाई 4 की होती है, तो ये गलती नहीं होगी अगर आप ड्राइंग देख लेंगे तो, कि हमें कहाँ कहाँ क्या लगनी है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, और हमारी जैसे कॉलम से कितनी दूरी पे छुट्टी हुई है तो ये सब आप पहले से ही देख लें। उसके बाद दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि हमें प्लम बहुत सावधानी से चेक करना होता है। प्लम यानी कि साउथ। साउथ चेक करते समय कुछ गलतियाँ होती हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। कि देखिए, साउथ चेक करते हैं तो हमें ये ध्यान रखें कि साउथ को हमें 3 जगह चेक करना है, ठीक है। एक तो हमें लेफ्ट और एक राइट, यानी कि लेफ्ट राइट चेक करना है, और साथ के साथ हमें उसके फेस पे भी लगा के प्लम चेक करना है कि जो हमारा साउथ है या जो हमारी विंडो है वो सीधी वर्टिकली जा रही है या नहीं। क्योंकि साउथ का काम यही रहता है कि कोई भी चीज़ को हम वर्टिकली चेक करते हैं कि हमारी जो विंडो है वो सीधी तरीके से लगी है नहीं लगी है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा प्लास्टर का मार्जिन कह सकते हैं, जो हमारी विंडो होती है और विंडो का फेस और जो हमारा ब्रिक वर्क होता है उसका फेस के बीच में छोटा सा माइनर सा कह सकते हैं कि गैप दिया जाता है, उसको मार्जिन बोलते हैं। तो थोड़ा गैप दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कहीं कहीं दोस्तों देखा होगा कि जो हमारा कभी कभी क्या होता है, जो मिस्त्री होते हैं वो हमारी विंडो को पूरा विंडो के बीच में और दीवार के बीच में, ब्रिक वर्क के बीच में गैप नहीं छोड़ते, या कॉलम हो कहीं भी गैप नहीं छोड़ते। तो बाद में क्या होता है, जब प्लास्टर करते हैं उस जगह तो हमारी विंडो के ऊपर प्लास्टर आ जाता है, या फिर विंडो हमारी थोड़ी सी हिडन हो जाती है, छुप जाती है प्लास्टर में। तो वो चीज़ ध्यान रखें कि हमें 10 से 12 mm वहाँ गैप देना है, स्पेस देना है, ताकि हमारा प्लास्टर भी ईजिली आ जाए और हमारे विंडो को खुलने में बंद करने में आसानी हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों, हमें जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए कि जो हम जिस दीवार पर हम अपनी विंडो को रखने जा रहे हैं उसकी जो थिकनेस है, चौड़ाई है, 9 इंची है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें विंडो में जैम्प देना होता है विंडो की जगह। जैम्प दोस्तों क्या होता है, टेक्निकली शब्द है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं विंडो में आपने देखा होगा कि हम विंडो के पास अपना फ़ोन रख देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ रख देते हैं, हाँ, जिससे वहाँ पे वो स्टे हो जाती है, रुक जाती है। तो अब वहाँ पे उसको जैम्प बोलते हैं, ठीक है। अब जैम्प में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं किसी किसी घर में इस तरीके से विंडो लगती है कि हमें उस 9 इंची थिकनेस के जो दीवार है उसके सेंटर में विंडो रखनी होती है, यानी कि 4 इंची इधर, 4 इंची इधर, और 1 इंची हमारी विंडो ले जाती है, अगर आपकी स्टील वाली है तो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो हमारी विंडो है वो फेस पर लगती है, फेस पर यानी कि या तो अंदर के फेस पर लगेगी, बाहर जैम छूट जाएगा जितना भी छूटे, या फिर बाहर के फेस पर लगेगी और अंदर हमारा जैम छूट जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सेंटर में रखना है या एक फेस रखना है, ठीक है। और जो हमारा पाँचवा पॉइंट है दोस्तों, वो ये है
कि हमें ये सब ये चीज़ हमने एक्यूरेट कर ली, उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा एक लेबल हमें मार्क कर लेना है किसी जगह, चाहे वो कॉलम है, कॉलम बना हुआ है तो कॉलम पे मार्क कर लीजिए। एक डीपीसी लेबल से आप एक लेबल उठाएंगे, 7 फीट का निशान लगाएंगे। अब 7 फीट का दोस्तों मैंने क्यों बोला, वो इसलिए बोला कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सिल लेबल होती है, जो सिल लेवल की हाइट थी वो 3 फीट थी, ठीक है। ये 7 फीट दोस्तों फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि 3 फीट हमारा सिल लेवल हो गया, ठीक है। और जो हमने विंडो भी मानी थी, 3x4 की विंडो है, तो 4 फीट हमारा उसकी हाइट है और 3 फीट चौड़ाई है, तो हाइट जो 4 फीट थी उसको ऐड करें और 3 फीट हमारा सिल लेवल जो था उसको ऐड करें, यानी कि 7 फीट। स्टैंडर्ड हमारा जो लिंटल लेवल होता है वो 7 फीट का होता है, तो जो मैंने अभी जो 7 फीट का निशान लगवाने के लिए बात करी थी, वो हम बात करें लिंटल लेवल के लिए। लिंटल लेवल दोस्तों वो होता है कि जो डोर और विंडो के ऊपर जो हमारा लेवल होता है उसको लिंटल लेवल बोलते हैं, और उसी को हम लिंटल बीम भी बोलते हैं, जब हम उसमें बीम डाल देते हैं तब। तो वो हमने 7 फीट जो हमने निशान लगाया है डीपीसी लेवल से उठा के, आपको ध्यान रखना है कि ये गलती ये नहीं करें कि आप वहाँ पर स्लैब से नहीं लेना है लेवल। स्लैब हमारा कभी भी क्या होता है, अंडुलेशन में होता है। जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आप काम कर रहे हैं तो विंडो का जो काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, स्लैब हमारा जरूरी नहीं कि प्लेन हो, स्लैब हमें हमारा कहीं ना कहीं स्लैब डालते समय अंडुलेशन आ जाता है, कहीं डाउन कहीं अप, तो वहाँ स्लैब से नहीं लेना है लेवल, ये गलती होती है। तो हमें लेना है डीपीसी से, ठीक है। उसको मार्क करने के बाद फिर हमें ये विंडो हमारी जब पूरी ये सब चीज़ें, ये सारे जितने भी मैंने कंडीशन बताई थी या ये जितनी भी चेकलिस्ट बताई थी, वो हो जाने के बाद हमें विंडो को ऊपर से चेक करना है, उसका लिंटल लेवल चेक करना है कि हमारी ठीक लगी है या नहीं, तो वो हमारा यहाँ पर काम आएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ प्लम्बर में ऐड करना कि जब हमारी अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो मिस्त्री है या कोई भी जो काम कर रहा है वो विंडो लगा रहा है, विंडो लगाने के साथ साथ आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि जो हमने कंक्रीटिंग फिल करा, यानी कि जो हमारा हमने विंडो में जो होल फास्ट होते हैं उसमें कंक्रीट कर दिया, अच्छे तरीके से फंसा दिया, और उसमें हम हटने से पहले, मतलब फिक्स करने के बाद उस विंडो से हटने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको फिर से प्लम्ब ऑफ चेक करना है, ताकि जो हमने कंक्रीटिंग करते समय या हमने उस विंडो को फिक्स करते समय थोड़ा बहुत अंडुलेशन तो नहीं हुआ या फिर वर्टिकली वर्टिकली विंडो के में कुछ अंतर तो नहीं आया, तो वहाँ पर एक बार और चेक कर लेना है प्लम्ब, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। और ये सब तो हमारी चेकलिस्ट थी दोस्तों। अभी इसके लिए मैं टॉलरेंस की बात करता हूँ। टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस साइड पे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा है कोई आप काम कराते हैं मिस्त्री से तो वो बोलता है कि अरे सर वो थोड़ा बहुत ही तो अंतर है, आधे इंची का अंतर है, 1 इंची का अंतर है, तो उसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो टॉलरेंस यानी कि हमारा टॉलरेंस विंडो में कितना होना चाहिए, विंडो में दोस्तों हमारा 5 से 8 mm, 5 से 8 mm हमारा टॉलरेंस होना चाहिए। अगर सूत में कहें तो कह सकते हैं 2.5 सूत तक, 2.5 सूत तक हमारा अगर अंतर आ रहा है विंडो को लगाने में, जैसे कि आगे पीछे या टेढ़ा मेढ़ा या हाइट में अंतर 2.5 सूत आ रहा है या फिर 8 mm आ रहा है, 5 से 8 mm, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 1 इंची, 2 इंची, आधे इंची, 1.5 इंची ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमने कही, ये हमारी विंडो की कुछ ऐसी बातें थी जो विंडो लगाने से पहले हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक वीडियो मैंने और चैनल पे डाल रखी है, उसको जाके आप प्लीज़ देखना, ताकि आप ये सब बातें वहाँ पे अप्लाई होते समय देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमें साइट पर विंडो में क्या क्या चेक करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देखना। साथ के साथ दोस्तों दरवाजे कैसे लगाते हैं, ठीक है, दरवाजे पर कैसे चेक करते हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में डाल रखी है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट को क्लियरली समझाने की कोशिश करी, इसलिए आप आई होप समझ गए होंगे। और दोस्तों वीडियो में कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट।